Okay, we are starting. So today it is our first class based on number system. Okay, yes, a first class है, बिल्कुल basic से मैं आप लोगों का शुरू करवा रही हूँ, बिल्कुल basic से. Because exam के अंदर आपने देखा होगा कि जो questions आ रहे हैं वो आपका concepts related questions exam के अंदर आ रहे हैं, तो उसी के लिए हम क्या करेंगे, बिल्कुल starting से start कर रहे हैं, बिल्कुल number से शुरू करेंगे. Okay, yes, हाँ जी विनू audible. Okay, yes. तो आज हम बेटा शुरू करेंगे, बिल्कुल नंबर से शुरू करेंगे. नंबर नंबर से बना अपना नंबर सिस्टम. नंबर्स आपने देखा होगा कहां से कहां तक होती है अपनी डिजिट्स, न्यूमरल 0 to 9, 0 to 9, सारा का सारे नंबर्स 0 to 9 के ऊपर बेस्ड होते हैं. ओके, एंड एक इस तरह का सिस्टम जिसके अंदर हम ये सारे के सारे नंबर्स ऑर्गेनाइज होते हैं, जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स एंड द रूल गवर्न्स ऑन द नंबर्स, उसको हम क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम. ओके, यस, हाँ जी. तो क्या है बेटा वो नंबर सिस्टम. तो नंबर सिस्टम क्या है आपके पास में, नंबर सिस्टम इज ए नंबर इन विच वी स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स, देयर रिलेशनशिप एंड रूल्स गवर्न इन देम इज कॉल्ड नंबर सिस्टम. ओके, दिस इज नंबर सिस्टम. अब बात आती है टाइप ऑफ नंबर्स के, नंबर कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे नंबर्स होते हैं. ओके, तो अगर हम नंबर की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो नंबर है, ठीक है, वो के टाइप में अभी डिस्कस करूंगी. पहले ये देखो, जब आपको एक नंबर दिखाई दे रहा है तो वो कैसा दिखाई देता है, कोई भी पर्टिकुलर नंबर है. जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास में एक नंबर है 786. ओके, ये एक नंबर दिखाई दे रहा है आपको 786. अब उस नंबर के अंदर मैंने अभी आपको कहा कि जितने भी नंबर्स है वो किन से बन रहे हैं, 0 to 9 तक के न्यूमरल की हेल्प से बनते हैं. ठीक है, अब इस पर्टिकुलर नंबर की एक फेस वैल्यू होती है, ठीक है, एक होती है बेटा फेस वैल्यू, एक होती है प्लेस वैल्यू. सभी ध्यान देंगे, एक होती है फेस वैल्यू, एक होती है प्लेस वैल्यू. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू. तो आपके पास में आपको पता होना चाहिए फेस, जैसे कि हमें पता है अपना फेस इज अवर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है ना, फेस से ही हमें पता चलता है. सेम वे अगर हम किसी भी पर्टिकुलर नंबर की फेस वैल्यू की बात करते हैं, फेस वैल्यू दैट मीन्स व्हाट इज द एग्जैक्ट न्यूमरल एट दैट प्लेस. ओके, जैसे यहाँ पे ही अपने पास में डिजिट 786, 786 के अंदर अगर मैं कहती हूँ व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 6, देन दिस इज 6. व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 8, दिस इज 8. व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 7, दिस इज 7. ओके, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लेस वैल्यू, देन प्लेस वैल्यू क्या होती है. अब जैसे ये नंबर है 786, इसके अंदर दिस इज वंस प्लेस, वंस then this is tens and this is 100. okay, ones, tens, 100. okay, ab yahan pe agar main kehti hu what is the place value of 6, then 6 kaun se place pe beta, ones ke place pe, that means kiski value kya rahegi yahan pe aapke paas mein, this is 6. same way what is the place value of 8, then 8 into, yes, 8 is at what place, 10th place, hai na, 10th place, that means this is 80. ओके, सेम वे व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 7, 7, 7 इज अ 100th प्लेस, 100th प्लेस, दैट मींस व्हाट इज दिस, 7 into 100, कितना हो गया, दिस इज 700. सो आई थिंक सभी को क्लियर है फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू. अब आप कहोगे मैम बिल्कुल ही आपने तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट हो गया, बिल्कुल छोटे क्लास के अंदर, एक तरह से हम थर्ड फोर्थ क्लास के अंदर सीखते हैं. तो बेटा इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है. कैसे आ सकता है, देखो पहले तो मुझे ये बताओ, अगर ये क्लियर हो गया तो इसकी फेस वैल्यू बताएंगे जल्दी से मुझे, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू. व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन द न्यूमरल दिस. तो फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू तो 7 ही रहेगी, बट व्हाट इज द प्लेस वैल्यू, जल्दी से आंसर करेंगे मोनिका, मयूर, विनू, अगर क्लियर है तो जल्दी से मुझे बताओ क्या आएगा, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 7, 7 की यहां पे प्लेस वैल्यू क्या रहेगी. Yes, here you can see 7 is at 100th place. This is ones, tens, 100 and 1000. Okay, and what we want to find out? The place value of 7. Place value of 7, then 7 into, it is at 100th place. That means this is 700. I hope it is clear to all of you. Any doubt in this concept? Okay, now, here is the question. What is the difference between, what is the, yes, Venu, very good, very good. Haan ji, what is the difference between place value of 2 in the numeral 2, 7, 2 to 9? What is the difference?
If we know the place value of both 2's, then we can find out the difference easily. So here the place value of this 2 is 200, okay, and the place value of this 2 is 20, and what is their difference? This is 180. Clear? So, is tarah ka agar kuch aata hai, kar lenge sabhi? Okay. So, this will be 180. Now, remember one thing. If we have a digit 0 in our number, 0, then what is the place value of 0? Always remember that place value, yes, place value and face value of 0 is always equal to 0, is always equal to 0. Because agar hum 0 ko kisi bhi number ke saath multiply karte hain, then it is 0. Okay? To agar main yahan pe 0 ko agar main 100 ke saath multiply karti hu, then it is 0. So there is no need to multiply, just the point, remember the point, place value and face value of 0 is equal to 0. Okay? Kai bar confusion ke liye dal dete ke haan ji kya hai place value, face value. Okay? Now come on the types of numbers. Types of number. Okay? Agar aapne screenshot lena, screenshot le lijiye iska jaldi se. Yes, screenshot aap le sakte ho. Waise to PDF maine attach kar di hai. In your lecture, below the lecture you get the class PDF. Okay? So, class PDF ke andar ye jitna bhi hum aaj class ke andar discuss karenge, all things is included in that PDF. Okay? So, yahan pe dekhiye pehle humare paas mein hai numbers. To agar hum number ki baat karein, to beta dekho, kya value aa rahe hai yahan pe? Imaginary numbers, real numbers. Jo numbers hain, they are divided into two parts. One is imaginary number and the second one is real number. Ab naam se hi pata chala, real number means real number, okay. Imaginary numbers, that means number of imagination. Imagination, but nahi kahenge, in maths we discuss imaginary number. But imaginary number are not in your syllabus, okay. But you should know what are the imaginary numbers, okay. To jab bhi aap kisi number ka square karte ho, dekho, अगर मैं एक मेरे पास में एक नंबर है 2, तो मैं इसका स्क्वायर करती हूँ तो क्या आएगा मेरे पास 4 आएगा, ठीक है. इसी तरह से अगर मेरे पास में वैल्यू है -2, देन अगेन आई स्क्वायर, देन आई गेट 4. तो जो रियल नंबर है, रियल नंबर है, रियल नंबर का स्क्वायर ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव नंबर रहेगा. क्या रहेगा? पॉजिटिव नंबर रहेगा. बट द स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी नंबर इज नेगेटिव, इज नेगेटिव. दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द रियल नंबर एंड imaginary number. Okay? Yes. If we talk about the imaginary, then there are complex numbers. Complex number kya hote hai? Complex number is the combination of real plus imaginary numbers. Aapne agar dekha hoga, to yahan pe is tarah ke kuch kai bar aata hai apne paas mein number. Jaise aa gaya apne paas mein 4i. I represent the iota. Theek hai? Isko bolte beta imaginary. ओके तो यहाँ पे ये क्या हो गया आपके पास में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है. दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर. एंड अदर नंबर्स, अदर ऑल द नंबर्स, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, फ्रैक्शन, डेसिमल, ऑल आर द रियल नंबर्स. एंड वी रिप्रेजेंट रियल नंबर बाय आर. किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? आर से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, सो आई थिंक सभी को पता चल गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर. द स्क्वायर ऑफ रियल नंबर इज नॉन नेगेटिव. Square of real number is non-negative, okay? But the square of imaginary number is negative. Or you can say, I have a number i. Iska square kya hai? Negative hai, okay? To yahan pe i ki value kya hogi beta? Square root minus 1. Isko bolte iota. Done? Now, come on the other numbers. अब हम आते हैं रियल नंबर्स की बात करते हैं. तो रियल नंबर्स को आगे आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर. रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू. पी बाई क्यू, दीज आर द रैशनल नंबर्स, दीज आर द रैशनल नंबर्स. एंड द नंबर विच कांट बी रिप्रेजेंट बाई पी बाई क्यू, देन दैट आर इरेशनल नंबर. अब हम बात करते हैं, देखो थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन हो रही होगी. अब अगर यहाँ पे मैं कहूँ कि हाँ जी 2 क्या है, 2 क्या है? रैशनल नंबर, रियल नंबर. रियल नंबर के अंदर भी हम क्या कहेंगे? दिस इज रैशनल नंबर. ओके, बिकॉज वी कैन राइट इट लाइक 2/1, लिख सकते हो ना, 2/1 लिख देते हो, है ना. तो उसी तरह से अगर मान लो मैं कहती हूँ 1/2,
अगेन दिस इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, सो दिस इज रैशनल नंबर. ओके, अगर मैं कहती हूँ कि अपने पास में कोई भी नंबर लगा लो 5/2, दिस इज अगेन रैशनल नंबर. ओके, अब इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, लाइक वी हैव √2, √5, पाई, दीज आर इरेशनल नंबर. दीज आर इरेशनल नंबर मीन्स द नंबर्स विच आर विच कांट बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू. अब यहाँ पे बात आती है कि जी काफी स्टूडेंट्स के माइंड में डाउट होता है कि पाई को तो हम क्या लिखते हैं, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, दैट मीन्स वी आर रिप्रेजेंटिंग इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, तो फिर ये इरेशनल नंबर कैसे हुआ. तो देखिए बेटा, जब हम बात करते हैं पाई की, या फिर हम रूट टू की बात कर रहे हैं, या हम रूट थ्री की बात कर रहे हैं, तो ये एक तो जो आपका नंबर आता है वो डेसिमल में आएगा, डेसिमल में आएगा. अब डेसिमल में भी वो एक आपका जो नंबर है वो एक ऐसा नंबर आता है जो कंप्लीट नहीं होता, कहीं पे भी जाके खत्म नहीं हो रहा, आगे 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 बढ़ता चला जाता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूँ पाई की, अगर हम यहाँ पे बेटा बात करते हैं किसकी, पाई की, तो पाई की जो वैल्यू है वो क्या होती है, वैसे तो हम क्या पढ़ते हैं 3.14 ही लिखते हैं, जस्ट वी राइट वैल्यू ऑफ पाई इज 3.14, बट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ पाई इज 3.14159, एंड आगे आगे जब तक भी आप चलते जाओगे तो ये कभी भी खत्म नहीं होती. यस, क्या कह रहा है कि कभी भी खत्म नहीं होती. तो जो इरेशनल नंबर्स होते हैं तो वो क्या है, एक्सप्रेस्ड इन डिजिटल फॉर्म इट गोज फॉरएवर विदाउट रिपीटिंग, चलते जाएंगे, तो वो क्या हो गया आपके पास में, इरेशनल नंबर. सेम वे इफ वी टॉक अबाउट √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.41421, एंड आगे आगे फर्दर चलता जाएगा, मीन्स कभी भी इसका एंड नहीं हो रहा, ना ही वो रिपीट हो रहा है, तो वो क्या हो गया आपके पास में, इरेशनल नंबर्स. क्लियर? हाँ जी, किसी को कोई भी डाउट हो रैशनल इरेशनल के अंदर, आई थिंक सभी को क्लियर है, रैशनल नंबर इरेशनल नंबर. ओके, अब फर्दर बढ़ते हैं हम रैशनल नंबर्स की तरह. अब रैशनल नंबर्स को आगे फर्दर डिवाइड कर सकते हैं हम किसके अंदर, यस, इंटीजर एंड फ्रैक्शनल नंबर, इंटीजर एंड फ्रैक्शनल नंबर. अब जो इंटीजर है, इंटीजर के अंदर कौन कौन से नंबर इंक्लूड होते हैं, नेगेटिव नंबर्स, ऑल द नेगेटिव नंबर्स, जीरो, एंड ऑल द पॉजिटिव नंबर. तो ये सारे के सारे क्या हो गए, इंटीजर नंबर. ये सभी को पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज एग्जाम के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, जस्ट कंफ्यूजन के लिए वहां पे आ सकता है नेचुरल नंबर, रियल नंबर, ओके, इंटीजर नंबर, और हम वहीं पे रॉन्ग करके आ जाते हैं. यस, मोनिका कह रहे हैं रीअकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, रीअकरिंग डेसिमल नंबर्स आर इंक्लूडेड इन रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर में आएंगे बेटा. ओके, दे आर नॉट इरेशनल. अगर रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग क्या आएगा, रैशनल नंबर्स के अंदर आएगा. ओके, हाँ जी, देन वी वर टॉकिंग अबाउट फ्रैक्शन नंबर एंड इंटीजर नंबर. ओके, तो इंटीजर के अंदर सारे इंक्लूड हो रहे हैं, ऑल द नेगेटिव नंबर्स, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर, ऑल आर इंटीजर्स. देन अब इन इंटीजर के अंदर भी आगे देखें तो यहां पे आपके पास में अगर हम सिर्फ इसको लेते हैं पॉजिटिव नंबर्स को, पॉजिटिव नंबर को अगर मैं इंक्लूड करूं, लाइक मैं कहती हूं कि 1, 2, 3, ठीक है, तो ये सारे क्या है हमारे पास में, नेचुरल नंबर. ये क्या है, नेचुरल नंबर. अगर मैं इसके साथ में जीरो इंक्लूड कर देती हूं, देन इट बिकम्स होल नंबर्स. ओके, तो होल नंबर के अंदर जीरो और पॉजिटिव नंबर दोनों इंक्लूड होते हैं, बट इसके साथ में अगर नेगेटिव नंबर्स अगर हम इंक्लूड कर देते तो क्या बन गया, ये सारे का सारा आपके पास में इंटीजर नंबर्स. ओके, दिस इज ए सेट ऑफ इंटीजर नंबर. क्लियर? अब बात करते हैं कि जो अपने पास में बेटा होल नंबर्स हैं, ठीक है ना, होल नंबर्स हो गया. अब उसके बाद में जो नेचुरल नंबर्स है इनको भी आगे फर्दर डिवाइड किया गया, क्या है, इवन नंबर, ओड नंबर, एंड प्राइम नंबर्स. ओके, तो इवन नंबर्स, द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, और इवन नंबर्स लाइक 2, 4, 6, 8, ऑल दीज आर इवन नंबर्स. ओके, ओड नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, लाइक 1, 3, 5, 7, ऑल आर ओड नंबर्स. एंड प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर कौन से हैं, यस, जो नंबर या तो सेल्फ डिविजिबल होगा या फिर इट इज डिविजिबल बाय 1, दैट इज प्राइम नंबर. ओके, किसी किसी प्राइम नंबर के क्या अपने पास में कंडीशन है, द नंबर इज डिविजिबल बाई इट सेल्फ एंड इट इज डिविजिबल बाई 1 ओनली. ओके, दैट इज प्राइम नंबर. सो जस्ट टेल मी, 1 इज प्राइम नंबर और नॉट, 1
सो देयर वाज कंडीशन कि हां जी दो से डिविजिबल होना चाहिए, किससे, वन से और सेल्फ से, बट इसका तो सेल्फ भी खुद ही है, दैट मींस कि वन से ही डिविजिबल हो रहा है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है. तो फर्स्ट प्राइम नंबर इज व्हाट? यस, फर्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है आपके पास में? फर्स्ट प्राइम नंबर इज टू. क्या होता है? फर्स्ट प्राइम नंबर इज टू. वन जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, ना ही हम ये कहेंगे कि वो कंपोजिट है, ना ही वो प्राइम है. ओके, यस, ऑल अदर नंबर्स आर कंपोजिट नंबर. ओके, तो अगर हम वन की बात करें तो वन क्या है? प्राइम नंबर भी नहीं आएगा इसके अंदर, कंपोजिट नंबर भी नहीं आएगा. दिस इज सिंपल ऑड नंबर नेचर. ओके, तो अब इसी के बाद इवन ऑड में तो आई थिंक किसी को कंफ्यूजन नहीं है. नाउ वी कम ऑन फ्रैक्शनल नंबर. दिस पार्ट इज कवर्ड फ्रैक्शनल नंबर. अब फ्रैक्शनल नंबर आर अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. वन इज डेसिमल फ्रैक्शन. ओके, जिसके अंदर हम उसको डेसिमल की फॉर्म में लिख लेते हैं. एक कौन सा हो गया आपके पास में? रिपीटिंग. रिपीटिंग, अब देखो जैसे मेरे पास में वैल्यू है बेटा 1/2. अब आप जब 1/2 को सोल्व करते हो डेसिमल के अंदर तो वैल्यू क्या आ जाती है? दिस इज 0.5. ओके, बट इफ वी हैव 1/3 देन क्या आता है आपके पास में? 0.333. दैट मींस कि ये रिपीट होता चला जाता है और इसको हम इस तरह से भी लिख देते हैं, दिस इज रिपीटिंग. ओके, जिसको हम रिकरिंग डेसिमल नंबर्स भी बोलते हैं. तो ये क्या हो गया आपका? दो तरह से. वन इज सिंपल टर्मिनेटिंग, जो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद में टर्मिनेट हो रहा है, खत्म हो रहा है, ठीक है. एंड रिपीटिंग, जो कि टर्मिनेट नहीं हो रहा बट क्या हो रहा है, वो रिपीट हो रहा है. तो रिपीटिंग नंबर एंड